सो गाइस जस्ट अब मैं इन दोनों गुनू ने खाई, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। जस्ट मैंने गुल्लू को रेडी किया है। रेसिपी मैंने आज आपको कुछ नहीं दी, आगे दे दूँगी क्योंकि अभी मैंने गुल्लू को ऐसा कुछ दिया नहीं है। सिंपल पराठा और अचार दिया है आज उसको, और दही दिया उसके साथ। तो फटाफट से एक बार गुल्लू को रेडी कर चुकी हूँ मैं। मुझे अब छोड़ कर आना है उसको पहले, और उसको छोड़ कर आने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ मैं मॉर्निंग में लगी हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो क्लीनिंग ऐसा अभी नहीं कर रही। सबसे पहले तो ये ब्लैंकेट मुझे फोल्ड करना है, क्योंकि उठने से पहले करती हूँ मैं डेली। फिर ये कपड़े सुखाने हैं, और नीचे गोलू के पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं, तो हम उसको बाय कर लेते हैं। बस गोलू कुछ हो जाते ही मैं आगे अंदर कपड़े तय करने के लिए। मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो मुझे सारे तय करने थे, तो वन बाय वन मैं सारे कपड़े तय करके इनको इनकी जगह पर लगा दूंगी। क्योंकि भाई नहीं, अगर तय करती तो ये पड़े ही रहेंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आ गई मैं यहाँ पे खाना बनाने। आज बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी में हींग जीरे का छौंक दिया है, टमाटर की प्यूरी डाली है, प्याज नहीं डालती, सारे बेसिक मसाले हल्दी जीरा नमक मिर्च और गर्म मसाला डालकर तोरी को डाल दिया है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तोरी अपना पानी भी छोड़ती है। लेड लगा के कुकर को कर देंगे यहाँ पर बंद। और अंदर आ गई फिर मैं अपनी बेडशीट झाड़ने के लिए, क्योंकि मुझे बेडशीट झाड़नी थी। तो उसको झाड़ करके मैं अंदर की थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली हूँ। ये जो टेबल वगैरह है इनकी सीट थोड़ी सी चेंज करूँगी। बेडशीट को बिछाने के लिए मैं अंदर अपने इसको टक इन कर रही हूँ बेडशीट को मैट्रेस के नीचे। और ये मेरा जो रूम है वो ऑल ओवर कुछ ऐसे लुक में आ गया क्लीन करने के बाद। मैट वैट मैंने बिछा दिया और ऑलमोस्ट सब क्लीन कर दिया, मैंने सारा ही क्लीन कर दिया अब तो। सो गाइस, जस्ट अभी मैं अपना रूम क्लीन करके बैठी हूँ। मैंने खाना वाना भाई सब बना लिया है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी बाकी है। तो अब मैं जाऊँगी रोटियाँ सेकने। जस्ट गोलू आने वाली है कुछ ही मिनट में, उसके पापा गए हैं उसे लेने के लिए, तो पहले उसको ले लेते हैं, फिर बनाती हूँ मैं रोटियाँ। आज का व्लॉग जो है वो आज सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा कुछ करना नहीं है मुझे। तो बस फिर फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद देखते हैं बच्चों को सुलाऊँगी अगर सो जाते हैं तो, और मुझे थोड़े से कपड़े वॉश करने तो वो भी करूँगी। बस आज का नॉर्मल व्लॉग है भाई। और हाँ, कल वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, गोलू के पापा की मस्ती कैसे लगी, वो मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना भाई। तुम लोग बताते ही नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, नए नए कंटेंट सोच कर लेकर आ रही हूँ, फिर भी नहीं बताते, तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हें बताना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए जो भी आपको मेरे पूरे व्लॉग में फेवरेट पार्ट लगता है वो बताइए, किस चीज़ से रिलेटेड आप व्लॉग देखना चाहते हैं वो बताइए। बहुत कुछ है यार बताने को, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बता दो, जो भी आपको रेसिपी अच्छी लगती है, कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ नहीं, मेरे ब्लॉग से रिलेटेड। तो चलिए फिर अब मैं एक बार गोलू का वेट करते हैं। लेट्स वेट गोलू। किसने खाई है ये सारी दही? गुनू ने। गुनू ने खाई है? और क्या खाया था दही के साथ? पराठा खाया था। फिनिश करके लाए हो आज आप? फिनिश किया है सारा? नहीं करी। तो किसने खाया फिर आपका टिफिन? नहीं। किसने खाया? चम्मच। चम्मच। चलो ये ऊपर लेके चलते हैं, चलो ऊपर चलो। चलो गोलू के आने के बाद मैं लग गई यहाँ रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि पापा भी आ गए थे तो सबको रोटियाँ देनी थी। तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेकने लगी, क्योंकि हर्षु सो रहा था, उसके बाद फिर वो उठ जाता है तो मैं फिर रोटियाँ बना नहीं पाती। रोटियाँ सेकने के बाद हर्षु भी उठ गया था, और फिर मैं इनको अंदर खाना ले आई खिलाने के लिए। खिलाने जा रही हूँ, मैंने रोटियाँ तो बना लिया है, देखो एक यहाँ पड़ा है एक वहाँ पड़ा है, चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ एक बार। वैसे तो ये दोनों ना बहुत नखरे करते हैं खाना खाते खाते, पर दही होती है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और इन दोनों को खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे तीनों के तीनों। फिर शाम को उठने के बाद मैंने सबसे पहले साफ़ किए हैं ये बर्तन, क्योंकि बर्तन धोना भाई एक काम ही, और मैं डेली बेसिस पर करती हूँ इसको दो तीन बार, तो ये मेरे को
अच्छे नहीं लगते रखे हुए। तो ये धोने के बाद मैं नीचे वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े भी धो दिए मैंने साथ साथ और मेरा सारा काम हो गया। गाइस जस्ट अभी मैं शाम का खाना बना के बैठी हूँ, मैंने बर्तन वर्तन वॉश कर लिए थे, कपड़े भी धो दिए भैया आज वाले तो मैंने अभी। और ये बोल रही है कुछ, क्या बंद हो गया? बाबा के भजन चल रहे हैं, सबको जय श्री श्याम बोलो, ऐसे बोलते हेलो गाइस, जोर से बोलो। और यहाँ पे ये लग रहा है देखो क्या करते हो आप, इसकी अपनी बदमाशियां चल रही हैं। क्यों निकाला ये? और अब तो ना पता ही ये अगर थोड़ा सा इतना नॉटी हो रखा है कि ये ना ऐसे खुल जाता है, तो ये इसको खुल के और इसके अंदर बैठ जाता है और इसके अंदर से निकलता नहीं है, ये इतना नॉटी हो गया हमें, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो भाई थोड़ी देर में खाना खाएंगे फिर देखते क्या करना है। इधर देख, मैं मौसी हूँ। हाँ आऊं मैं अभी, आई रुक जा। सो गाइस जस्ट मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, मैंने खा ली है, मम्मी पापा ने खा ली है, किचन बहुत गंदी हो रही है, इसको भी क्लीन करूंगी। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, और जल्दी जल्दी भाई 1K कर दो प्लीज़ हेल्प मी। जल्दी से 1K होने वाला है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ कमेंट में, बहुत सारा प्यार बरसाओ। चलो फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं से, आप सभी को जय श्री श्याम।